अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप सबके लिए आसानियां पैदा करे, आप सबको आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इग्निशन कॉइल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की थी और वो इग्निशन कॉइल थी लेक्सिस और टोयोटा की। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इग्निशन कॉइल जो सुजुकी के अंदर आती है या फिर निसान गाड़ियों के अंदर आती है जिसके ऊपर तीन पॉइंट होते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने चार पॉइंट डिस्कस किए थे, इस वीडियो के अंदर तीन पिन वाली जो क्वायर है जिसके ग्रिप के अंदर तीन वायर्स होते हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही निसान के ऊपर भी और सुजुकी के ऊपर जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो चाबी स्विच का करंट एक वायर के अंदर आ जाता है, एक वायर में चाबी स्विच का करंट आ जाता है, जबकि दूसरी वायर इसकी जो होती है वो अर्थ होती है। एक वायर चाबी स्विच हो गया, एक हो गया अर्थ, और तीसरी वायर जो इसकी डायरेक्ट कंप्यूटर से आता है जिससे इग्निशन कॉइल का सिग्नल आता है जिससे कॉइल आपकी चलती है। बिल्कुल ऐसे ही जो सुजुकी है, सुजुकी के अंदर भी आपको जो इग्निशन कॉइल मिलेगी तीन वायर वाली मिलेगी, एक चाबी स्विच का करंट है, एक अर्थ है और एक वायर आपकी सिग्नल है जो कंप्यूटर से डायरेक्ट आता है। वो अगर रास्ते में किसी जगह कट गया या लूज कनेक्शन हो गया, हार्नेस इश्यू हो गया, तो वो आपकी कॉइल नहीं चलेगी। अगर चाबी स्विच का करंट भी नहीं आएगा फिर भी आपकी कॉइल नहीं चलेगी, और अगर अर्थ नहीं आएगा फिर भी नहीं चलेगी, लेकिन अर्थ ना आने की वजह से या अर्थ लूज होने की वजह से बहुत इश्यू होता है कि कॉइलें आज जल जाती हैं, ऐसे हीट हो जाती हैं, जैसे पकोड़ा बन जाता है ऐसे फूल जाती हैं। जब भी आप किसी भी गाड़ी के अंदर ऐसा इश्यू देखें कॉइल जल गया या कुछ हो गया तो उसकी वायरिंग शॉर्ट सर्किट जरूर चेक करें कि कोई वायरिंग वगैरह उसकी अर्थ की तार या करंट की या जो उसकी वायर कंप्यूटर से आ रही है वो रस्ते में किसी जगह शॉर्ट तो नहीं है, तारें आपस में जुड़ी हुई तो नहीं है। जब ऐसे शॉर्ट प्रॉब्लम आता है गाड़ी के अंदर वायरिंग में, लूज कनेक्शन या शॉर्ट प्रॉब्लम, तब जाके जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर कॉइलें जो हैं वो जल जाती हैं। तो जब भी आपके पास कोई गाड़ी है जिसके अंदर कॉइल जलने का इश्यू हो, उसकी वायरिंग जो है कंप्लीट उसके ऊपर से टेप उतार के सारी हर जगह से तसल्ली से चेक करें, 100% आपको किसी ना किसी जगह या तो लूज कनेक्शन मिलेगा या शॉर्ट सर्किट मिलेगा, और उसे क्लियर करें। क्लियर करने के बाद नई कॉइल लगाएं तो इंशाल्लाह कॉइल खराब नहीं होती। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि ईसीएम जो है, ईसीएम के इंटरनल जो आईसी होता है जिससे कॉइलें ऑपरेट होती हैं, वो शॉर्ट हो जाता है जिससे कॉइलें जलना शुरू हो जाती हैं। तो अगर वायरिंग ठीक है, सारा कुछ ठीक है, तो फिर आप जिस जगह काम कर रहे हैं हर जगह, हर मुल्क, हर शहर के अंदर कोई ना कोई बंदा ईसीएम रिपेयरिंग वाला होता है, तो आप ईसीएम को लेके जाएं वहां और उसका ईसीएम जो है रिपेयर करवाएं। ईसीएम के अंदर जो उसका आईसी होता है जो कॉइलें ऑपरेट करवाता है वो आईसी चेंज करवाएं और उसे कहेंगे बाकी भी इसका बोर्ड जो है वो चेक करे किसी जगह कोई शॉर्टेज तो नहीं। इसके अलावा किया हुंडई के अंदर दो वायर वाली इग्निशन कॉइल्स आती हैं नए मॉडल्स के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ दो वायर होती हैं। दो वायर वाली जो इग्निशन कॉइल है उसके अंदर भी एक चाबी स्विच की करंट होती है और एक सिग्नल आता है जो उससे कंप्यूटर से अर्थ सिग्नल आता है जिससे कॉइल आपकी चलती है। एक चाबी स्विच का करंट है जो मेन रिले से आता है और एक आपका होता है अर्थ जिससे कॉइल आपकी चलती है। और बहुत सी गाड़ियों के अंदर कॉइल के ऊपर दो तारें होती हैं जो दो की दो कंप्यूटर से आती हैं, दो की दोनों, यानी उसका जो सिग्नल है वो भी और उसका जो करंट है वो भी आपका ईसीएम से ही आता है। ईएफआई या मेन रिले जो है ईसीएम को करंट दे देती है, आगे कंप्यूटर जो है ईसीएम जो है आपका उस करंट को डिवाइड करता है कॉइल्स के ऊपर। जैसे कि बहुत से लोग जो डीजल गाड़ियों का काम करते हैं उन्हें पता होगा कि जो डीजल गाड़ियों के इंजेक्टर हैं उनके ऊपर जो दो तार आती हैं वो दोनों भी डायरेक्ट कंप्यूटर से ही आती हैं। ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निसान की कॉइल, सुजुकी की कॉइल जो तीन तार वाली और दो तार वाली। उम्मीद है आपको ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है। लास्ट वीडियो में मैंने चार वायर वाली कॉइल के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर की थी और आज की वीडियो में दो वायर तीन वायर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं, जो लोग मेरी इस फील्ड से रिलेटेड हैं और उनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें और बार बार देखें। बहुत सी चीजें और बहुत सी बातें मैं आप लोगों के साथ ऐसी शेयर करता हूं जो लोगों को सालों बाद भी समझ में नहीं आती, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करता हूं। इसलिए वीडियोस को बार बार देखें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।
पांच वक्त नमाज पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह ताला की जात को अपनी जिंदगी के अंदर सीरियस लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।